नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एस्ट्रोलॉजी के चैनल में। तो आज हम बात करेंगे सपने में अफीम देखने का क्या फल होता है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर बिल्कुल सटीक जानकारी दी जाती है, सपनों के बारे में बताया जाता है। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है, हर सपना कुछ कहता है। सपने हमें कोई भी कार्य होने से पहले, जो कार्य होने वाला है या जो घटना हमारे साथ घटित होने वाली है, उसका पहले से ही हमें आगाह कर देते हैं। उसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है, या हमें अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। देखिए, कुछ लोगों को बिल्कुल ही सटीक सपने आते हैं, उनको रात को सपना आया और सुबह उनका सपना बिल्कुल ऐसा ही घटित हो गया। तो इस प्रकार जो लोग इसमें विश्वास करते हैं, उनको सपने अवश्य आते हैं और वह घटित भी उसी प्रकार से होते हैं। तो आज हम बात करेंगे सपने में अफीम देखना। सपने में अगर अफीम आप देखते हो तो यह एक अशुभ सपना है। यह एक कलह का, कलेश का, लड़ाई झगड़े का प्रतीक है। अगर आप सपने में अफीम खा रहे हैं या अफीम देख रहे हैं तो अशुभ सपना है। समझ लीजिए, आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, नोकझोंक हो सकती है, आपको चिंता हो सकती है। अगर आपको सपने में कहीं से अफीम मिलती है, जैसे कि आपको रेत में से, ज़मीन में से अफीम मिलती है, तो यह लड़ाई झगड़ा और कलह कलेश का सूचक है। या सपने में आप काले रंग की अफीम देखते हैं तो यह भी लड़ाई झगड़े का प्रतीक है। अगर सपने में आप देखते हैं, अगर आपको थोड़ा सा अफीम मिला है किसी भी रूप में और आप किसी और को दे देते हो, तो इसका मतलब आपका उस इंसान से जिसको आपने अफीम दी है, उस इंसान से लड़ाई झगड़ा होगा, उससे संबंधी लड़ाई झगड़ा होगा। तो अगर आप ये देखते हैं कि ज़मीन में से या कहीं से भी आपको अफीम मिली है और थोड़ी सी आपने अपने पास रख ली है और बाकी किसी को दे दी है, तो आपके पास भी मुसीबत आने वाली है और उस व्यक्ति के पास भी मुसीबत आने वाली है। तो देखिए, अगर आपको ऐसा सपना आता है तो बिल्कुल आप सावधान रहें और हनुमान जी पर माथा टेकें और सुबह उठते ही तुलसी मैया को अपना सपना सुनाएं और जिस इष्ट देव को, जिस देवी देवता को आप मानते हैं, उनसे प्रार्थना करें कि इस स्वप्न का शुभ फल हो, इसका अशुभ फल ना हो। जाने से पहले एक विनती, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, फॉलो करें। कृपया चैनल में वीडियो को देखने के बाद ऐसे ना निकलें, हमारा हौसला अफजाई करें, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।